हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है सुखद एहसास। आज की हमारी कहानी रिश्तों की परिभाषा को बताने वाली है। रिश्तों का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने अनुभव, अपने ज्ञान से अपने रिश्तों को संभालते हैं, सहेजते हैं। इन्हीं रिश्तों में जरा सी खटास होने से हमारा जीवन अत्यंत प्रभावित भी हो जाता है। कहा भी गया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए इन रिश्तों को हमें जीवन भर बहुत संभाल के और सहेज के रखना होता है। आज की हमारी इस कहानी में रिश्तों को उजागर करने वाली एक छोटी सी घटना बताई गई है। रिश्तों की उलझन से घिरी पत्नी को केवल उसका पति ही राह दिखा सकता है, और उस राह में स्नेह की कितनी जादुई भूमिका है, आइए जानते हैं आज की हमारी कहानी सुखद एहसास से। बहू की तुनक मिजाजी से कजरी जी का मन बुरी तरह उचट गया था। कुछ कहने की कोशिश करती तो आशीष पत्नी का पक्षधर बन बैठता। सोमेश जी से शिकायत करती तो जवाब में वो एक बेबस सी गहरी सांस लेकर कजरी जी को बच्चों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सलाह देते। पति की इस कमजोर प्रतिक्रिया से कजरी जी का मन दुखी हो जाता। इस दुख में कई और दुख भी आकर मिल जाते। दुनिया भर की चिंताएं, दुनियादारी के दबाव, समझौते, समर्पण, दिन प्रतिदिन आकर्षण खोता शरीर और दफ्तर व जिंदगी की चिंताओं से घिरे पत्नी की तरफ से विरक्त होते पति। चोट तब लगती जब पार्टियों में या कार में जाते हुए वो सुंदर युवतियों को अपने मोटे चश्मे के पीछे से ताकते हुए अपनी वीरानी दूर करते। उम्र की इस ढलान पर उतरते हुए कजरी जी को लगता जैसे इतनी धूप में वो अकेली रह गई हैं। बहू के आ जाने के बाद घर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। दुखी दोनों थीं, पर अपने दुख को बांट नहीं सकती थीं। एक ओर मां का सहज अभिमान था, दूसरी ओर युवा बहू के मन में सुदृढ़ आत्मबल का अभिमान, जो उसे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने को मजबूर कर रहा था। कजरी जी सोचती, बहू नौकरी करती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर समय उन पर रुआ भी जताती रहे। नौकरी तो उन्होंने भी की, सास ससुर साथ रहते थे, लेकिन क्या मजाल है जो कभी किसी काम में हाथ न बटाया हो। कभी सोमेश जी से कुछ कहने की कोशिश करती भी थी तो उनका अपने माता पिता के प्रति झुकाव कजरी जी की सारी बातों को सिरे से खारिज कर देता। सर्दियों की धूप में चाय की चुस्कियां लेते हुए सोमेश जी के साथ ठिठोली करने का सपना, टीवी पर कोई कार्यक्रम देखते हुए खिलखिलाने का सपना और ऐसे ही हजारों सपने उनके मन में दफन होकर रह गए। और अब जब जिंदगी जीने का समय आया तो बहू के नखरे सहे क्यों? एक बार उनके बहुत जोर देने पर सोमेश जी ने मेघा से बात की। देखो बेटी, तुमने अमेरिकन संस्कृति अपना रखी है। वहां बच्चे अपने बड़ों और गुरु का नाम लेते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में इन्हें पूज्य माना जाता है। वरिष्ठ की अवमानना तो वर्ज्य है। पर मैंने तो मां का अनादर कभी नहीं किया, बस जो मन में होता वो जुबान पर आ जाता है। मेघा का चेहरा देखकर सोमेश जी का मन भारी हो गया। वो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ थे। न तो पत्नी को दबा सकते थे, न ही बहू को। फिर भी पहल उन्होंने पत्नी को समझाने से की। देखो कजरी, हमें ये समझना होगा कि कुछ मूल्य हमारे पास है, कुछ नई पीढ़ी के पास। हमें इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा, समझ पैदा करनी होगी। पर कैसे? मान लो मेघा मुंह फट है, या जो मन में आता है वह कह देती है। अगर पुराने मूल्यों से देखो तो इसे अशिष्टता माना जाएगा, और नए मूल्यों से देखो तो एक स्पष्ट अभिव्यक्ति। स्पष्ट अभिव्यक्ति के कारण ही विदेशों में लोग स्पष्ट कहने और सुनने के आदि हैं। कोई इसे बुरा नहीं मानता। इसके विपरीत हमारे जमाने में बहुत सी कड़वी बातें जुबान पर आकर रह जाती थी।
अगर कहते भी थे तो अपनी बातें और तर्क पर अमल नहीं कर पाते थे। लेकिन मुझे न जाने क्यों अब ऐसा लगने लगा है कि जी तोड़ मेहनत के बाद मैंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलती ही जा रही हैं। और ऐसा क्यों सोचती हो? कजरी जी का हाथ अपने हाथों में लेकर सोमेश जी ने उसके कंधे के गिर्द अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए सहारा दिया तो यकायक बच्ची बनी कजरी जी पति के कंधे पर सिर रखकर सिसक उठी। उनके गुमसुम मन का संताप विलाप पति की स्नेह ऊष्मा से तिरोहित हो गया। इसी चीज की तो कमी खटकती है जीवन में, कोई स्पर्श, कोई प्रेम की बात। इसी इंतजार में औरतों का मिजाज इसलिए और भी कड़वा हो जाता है क्योंकि वो अपने भीतर की युवती को भुला नहीं पाती। देह ढल जाती है मगर यह अभिमान नहीं ढलता। अगर पति एहसास कराता रहे कि उसकी नजरों में सबसे अहम उसकी पत्नी है, जो फिर किसी की मां और सास है, तो यह संतुलन कभी न बिगड़े। मगर पति उसे दायित्वों का बोझ देकर पत्नी से अलग कर देता है। अगली सुबह चारों एक साथ मानो किसी अज्ञात प्रेरणा के अधीन नाश्ता करने बैठे। मेघा ने पूछा, मां आज तो आपने कोई फेयरनेस क्रीम लगाई है या फिर फेशियल करवाया है? कहते हुए कजरी जी का चेहरा सुर्ख हो गया था। तभी तो इतना चमक रहा है, मेघा हंसने लगी, साथ में आशीष भी हंसने लगा। सोमेश जी ने अपनी मुस्कुराहट समेटकर कजरी की आंखों में झांका, मानो पूछ रहे हों, क्या हम अपने से बड़ों से ऐसे प्रश्न पूछ सकते थे? जवाब में कजरी जी भी हंस दी, विचार सकारात्मक होने लगे। उम्र ने उनसे जो छीना है उसके कोई मायने नहीं, क्योंकि जो कुछ पाया है वो बहुत सुखद है। जिंदगी की सौगात से उनकी झोली भरी है, इसे संजोने और इसकी कद्र करने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत आज से करनी होगी, बल्कि अभी से। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने ये सीखा कि जीवन में रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हम उन रिश्तों को किस तरह सहेजते हैं और किस तरह उन्हें संभाल कर रखते हैं, तभी हमारा जीवन सुख पूर्वक चल पाता है। ओके, बाय।